से लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट थे, सीएनएस और पीएनएस। हम सीएनएस पढ़ रहे थे, उसमें हमने फोर ब्रेन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आगे का मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है नर्वस सिस्टम का पार्ट टू। सबसे पहले जो हमारा मिड ब्रेन है, नाम से पता चल रहा है कि मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होगा, इन द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, जैसे हमने फोर ब्रेन में उसके पास पढ़े थे, जैसे सेरिब्रम और हमने थैलेमस देखा, हाइपोथैलेमस, उसी तरह से इसके कोई ऐसे स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप्स नहीं होते हैं, उसी में इसके पार्ट्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। पर सबसे पहले क्या होता है ये, इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस। जो हमने थैलेमस देखा फोर ब्रेन का, और पॉन्स रीजन होता है ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, जिसको हम मेसेंसिफेलोन या मेसेंसिफेलोन भी बोलते हैं, जो मिड ब्रेन है उसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इट कनेक्ट्स पोन्स टू द फोरमेन। पोन्स जो हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है उसको फोर ब्रेन से कनेक्ट करने का काम, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है थैलेमस और पोन्स के नीचे, तो ऑब्वियसली ये कनेक्ट करने का काम करेगा उसको। ठीक है, उसके बाद आता है, इट फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम अलोंग विद द हाइंड ब्रेन। जो मैंने बताया था कि ब्रेन स्टेम क्या होता है, वही ये जो मिड ब्रेन है ये और हाइंड ब्रेन, ये दोनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। फिर इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड इज अराउंड 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। सबसे छोटा है सबसे पहली बात तो, उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, मतलब अप्रोक्स इतनी, सिर्फ इतना ही बड़ा होता है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद है द मेन पार्ट्स। अब मैंने टाइप्स नहीं बोला, मैंने पार्ट्स बोला है, मतलब मिड ब्रेन के अंदर ही इसके पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है टेक्टम। क्या होता है टेक्टम, इट इज द डोर्सल पार्ट। डोर्सल मतलब पीछे वाला पार्ट है मिड ब्रेन का, ऑफ द मिड ब्रेन दैट हैज फोर राउंडेड लोब्स, जिनको कॉलिक्यूलाई भी बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। ठीक है, जो हमारा टेक्टम है उसके चार, क्या कह सकते हैं, चार पार्ट्स होते हैं जिनको हम कॉलिक्यूलाई बोलते हैं, जिनको सारे टोटल को, सारे को बोलते हैं फोर क्वाड्री जेमिना। ठीक है, जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई है, जो ऊपर वाली कॉलिक्यूलाई है दो, वो विजुअल सिग्नल, मतलब हमारे विजुअल में रिलेटेड होती है, मतलब हमें देखने का काम वही करती है, हमारा जो देखना होता है हमारी आई से रिलेटेड, तो वो सुपीरियर कॉलिक्यूला है। और जो नेक्स्ट है इंफीरियर, अब जब देखना हो गया तो सुनना भी चाहिए, तो जो इंफीरियर है वो ऑडिटरी, मतलब हमारे कान से रिलेटेड होती है, हमारे कान से जुड़ी हुई होती है, जिससे हम सुन पाते हैं, हम प्रोसेस कर पाते हैं कि हमने क्या सुना। ठीक है, ये होता है टैक्टम। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। अब सेरिब्रल एक्वेडक्ट क्या है, इट इज द कैनाल दैट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। ये एक कैनाल होता है, मतलब कुछ, ठीक है, मतलब मान लो ये है हमारा ब्रेन, यहाँ प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन, इसी से होते हुए एक कैनाल गुजरती है जिसको हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होता है। ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर एक फॉर्म होती है, जिससे जो कहां से मिड ब्रेन से होकर गुजरती है वही होता है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट जो है, इट कनेक्ट्स द थर्ड एंड फोर्थ सेंट। अब देखो वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में चार, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जो सेरिब्रल वेंट्रिकल्स होते हैं चार, उसमें से थर्ड और फोर्थ को जोड़ने का काम सेरिब्रल एक्वेडक्ट करता है। देखो वो कैनाल है, तो एक साइड में थर्ड वेंट्रिकल होगा, एक साइड में फोर्थ वेंट्रिकल होगा, है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट सेरिब्रल पेडेंकल।
सेरिब्रल पेरेंटल क्या है? इट कनेक्ट्स द थिक नर्व फाइबर ट्रैक्स कनेक्टिंग द फोरब्रेन टू द हाइंड ब्रेन। जो इसमें है ये नर्व फाइबर्स को स्टोर करता है। देखो नर्व फाइबर्स कैसे होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं ना नर्व फाइबर्स, है ना। ये थिक नर्व फाइबर्स को कंसिस्ट करता है, मतलब इसके पास थिक नर्व फाइबर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को। फिर आते हैं नेक्स्ट टैगमेंटम। जो टैगमेंटम है ये लास्ट होगा। इट इज लोकेटेड एंटीरियर टू द टैक्टम। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, जो डोर्सल साइड पे था टैक्टम, उसके एंटीरियर साइड में, उसके अंदर वाली साइड में ये प्रेजेंट होता है। और इट कंटेन्स वेरियस नर्व ट्रैक्स, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? इसमें होते हैं नर्व ट्रैक्स, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है हमारे इसमें टैगमेंटम। ठीक है, अब आते हैं द टू मेन रीजन आर रेड न्यूक्लियस एंड द प्री एक्वेडक्टल ब्रेन। इसके दो पार्ट्स हैं मेन। ठीक है, मेन पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, उसमें रेड न्यूक्लियाई एक पार्ट है और दूसरा है पेरी एक्वेडक्ट ब्रेन। ये दो पार्ट्स होते हैं टैगमेंटम के। मैं टैगमेंटम की बात कर रही हूँ, ये है तो मिड ब्रेन में, लेकिन ये मिड ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये टैगमेंटम का पार्ट है और टैगमेंटम हमारा मिड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन द मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर मतलब हमारा चलना फिरना, लोकोमोशन, इन सब में, मोटर कोऑर्डिनेशन में कब हमें हाथ उठाना है, कब हमें पैर उठाना है। ठीक है, वो उसमें ये इन्वॉल्व होता है हमारे उस कोऑर्डिनेशन में। फिर आते हैं ये, देखो ये है सिर्फ इतना होता है, ये मिड ब्रेन 2 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ठीक है, ये है मिड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन है और ये फोर ब्रेन। देखो फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट पार्ट था, ये हमने कल पढ़ लिया इस लास्ट लेक्चर में। और इसके पार्ट्स क्या कहते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और लास्ट का हाइपोथैलेमस। ठीक है, और इसमें चार लोब्स थे। लोब्स कौन कौन से थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। ठीक है, ये था फोर ब्रेन, ये सबसे लार्जेस्ट आपको दिख ही रहा होगा उसमें डायग्राम में, सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो पिंक वाला पार्ट है वो सारा फोर ब्रेन है। ये देखो हाइंड ब्रेन ये है, सबसे छोटा कौन सा है, मिड ब्रेन, उसके बाद हाइंड ब्रेन, फिर उसके बाद फोर ब्रेन। ठीक है, ये है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। अब जो मिड ब्रेन है उसके फंक्शन क्या क्या है, किस किस चीजों में वो हेल्प करता है वो देखेंगे। सबसे पहले द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेंटर ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी, ये हमने देख लिया है ना। सुपीरियर कॉरिकुला है, ये था विजुअल में, और ऑडिटरी वाला इंफीरियर कॉलिकुला है। किसके पार्ट थे ये, टैक्टम, टैक्टम के पार्ट थे। फिर नेक्स्ट आते हैं इट रेगुलेट्स आई मूवमेंट एंड प्यूपिल डायलेशन। क्योंकि ये विजुअल हमारा रिफ्लेक्स में हेल्प करता है, तो विजुअल कहाँ से रिलेटेड हुआ, आई से, तो आई के सारे काम यही देखता है। जैसे प्यूपल डायलेशन, आई मूवमेंट, प्यूपल डायलेशन क्या होता है, जब हम दूर की चीजें देख रहे होते हैं तो वो बड़ा होगा, जब वो पास वाली चीजें देख रहे होते हैं तो वो छोटा होता है, वही होता है डायलेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, ये होता है प्यूपिल डायलेशन, तो इनमें हेल्प करेगा। और इट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग मसल मूवमेंट एंड मोटर कंट्रोल। ये भी हमने देखा टैगमेंटम में कि जो ये मोटर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है और मसल मूवमेंट, जब मोटर मतलब मोटर का क्या मतलब होता है कि लोकोमोशन से रिलेटेड है या फिर मूवमेंट से रिलेटेड है, तो जहां लोकोमोशन, जहां मूवमेंट आएगा वहां मसल भी आएगी, तो उनसे उनका काम यही देखता है मिड ब्रेन। उसके बाद टुगेदर विद द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम इट कंट्रोल्स वाइटल एटोनॉमिक एनाटॉमिक फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग पेन। हमें दर्द होता है
तब हमारे मूड मूड को यही स्विच करता है कि आज हमारा मूड बहुत अच्छा है ना। आज थोड़ा मूड डाउन है तो ये सारी चीजें मिड ब्रेन देखता है। उसके बाद ब्रीदिंग को, ठीक है, सांस लेने की जो भी प्रक्रिया कह सकते हैं वो होती है, उसको भी मिड ब्रेन देखता है। और अलर्टनेस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका कंट्रोल मिड ब्रेन के हाथों में होता है। फिर आते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है हाइंड ब्रेन। क्या है ये? इसको कह सकते हैं कि डोर्सल या फिर इंफीरियर होता है ओ ब्रेन, क्योंकि डायग्राम में हमने देख लिया कि कहाँ प्रेजेंट है, नीचे वाली साइड, तो नीचे को इंफीरियर बोलते हैं। हाइंड ब्रेन इज द लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड ब्रेन नियर द ब्रेन स्टेम एंड इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, रोमैंस सिफेलोन, मैसन सिफेलोन हमने मिड ब्रेन को बोला था, इसको रोमैंस सिफेलोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द हाइंड ब्रेन सब डिवाइड्स इनटू, अब इसके टाइप्स हैं, ठीक है। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने लास्ट वाला जो देखा मिड ब्रेन, उसमें हमने देखा था उसके पार्ट्स, इसमें हम देखने जा रहे हैं इसके टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स किस किस के थे? सबसे पहले थे फोर ब्रेन के, उसके बाद हाइंड ब्रेन के। मिड ब्रेन के टाइप्स नहीं है, उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। ये देखो मेटेनसिफेलोन, जो ओवरऑल कहते हैं वो होता है रोमेनसिफेलोन। अब रोमेनसिफेलोन के दो पार्ट्स होते हैं, जो है मेटेनसिफेलोन, जिसमें क्या आता है सेरिबेलम, सेरिबेलम आता है, सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट था, तो सेरिबेलम, और दूसरा पोन्स, और फोर इसमें आएगा, इसमें मेड्यूला या फिर मेड्यूला ओब्लंगा, ठीक है। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है वो बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे वॉमिटिंग सेंटर इधर ही होता है हमारा, ब्रीदिंग सेंटर यही होता है, हार्ट सेंटर इधर ही होता है। तो जो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है बहुत सारी चीजों में अपने फंक्शन देता है, तो मेडुला माइलिन सिफेलॉन में आता है, ठीक है। ये है इसके डिवाइड, मतलब इसके पार्ट है। फिर आते हैं तो क्या हुआ, कितने पार्ट हुए, तीन। सबसे पहले सेरिबेलम, पोन्स, और लास्ट मेड्यूला या फिर मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा, ठीक है। तो इन एन एडल्ट द हाइंड ब्रेन कंप्राइसेस सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला या फिर मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा। फिर सबसे हम पहले पढ़ते हैं सेरिबेलम, जो मेसेनसिफेलम का पार्ट था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सेरिबेलम होता क्या है, द सेरिबेलम हैज कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, मतलब कॉन्वोल्यूटेड सरफेस कुछ इस तरह की सरफेस होती है उसकी, जिसकी वजह से जो सरफेस है उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको खोल दोगे तो ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा, इसीलिए कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। टू न्यूरॉन्स प्रेजेंट पोस्टीरियर टू पोन्स। फिर आते हैं द सेरिबेलम इज रिच इन पुर्किंजे फाइबर्स। हमने पुर्किंजे फाइबर्स और कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये हार्ट में, ठीक है। हार्ट को छोड़ दो, अभी इसमें भी पुर्किंजे फाइबर्स प्रेजेंट होता है एंड ग्रेन्यूल सेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये मैं सेरिबेलम की बात कर रही हूँ, ठीक है। इट रिसीव्स सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अब क्योंकि ये सबसे नीचे प्रेजेंट है, हमने देखा कहाँ प्रेजेंट है, सबसे नीचे वाली साइड, तो वहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी स्टार्ट हो जाती है। देखो यहाँ प्रेजेंट, तो यहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी शुरू हो जाती है, तो स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम भी यही करता है सेरिबेलम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, प्रिसाइजन, प्रिसाइजन में, और फाइन ट्यूनिंग ऑफ द मोटर रिस्पॉन्सेस। मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मूवमेंट, लोकोमोशन, इनमें कोऑर्डिनेशन, प्रिसीजन या फिर वेल ट्यूनिंग के साथ कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है हमारे मोटर मूवमेंट को, हमारा मोटर स्ट्रक्चर को, ठीक है, हमारा सेल्स को, मसल्स को, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, पुर्किंजे फाइबर्स आर लॉन्ग एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कोऑर्डिनेशन।
पुंकेसर फाइबर्स लॉन्ग होते हैं और मोटर कोऑर्डिनेशन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं, ठीक है। उसके बाद द सेरिबेलम आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर लर्निंग फॉर इट्स शॉर्ट सेल्स प्ले देयर पार्ट। क्या कहते हैं कि जो सेरिबेलम है वो मोटर लर्निंग में मतलब हमारा मूवमेंट, हमारी लोकोमोशन, हम कैसे सीखते हैं। अब ऐसे तो नहीं कि हम पैदा हुए तो हम चलना शुरू कर दोगे, नहीं, हम पहले उसको लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं। तो वो सीखने का काम वो करते हैं ग्रैन्यूल सेल्स, जो हमने पढ़े प्रोकिन्जे फाइबर्स और ग्रैन्यूल सेल्स। तो ये जो ग्रैन्यूल सेल्स है ये मोटर लर्निंग में हेल्प करते हैं, जो हम चलना सीखते हैं, जो हम मूवमेंट करना सीखते हैं, वो सारी चीजें ग्रैन्यूल सेल देखता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, पोस्चर एंड मसल टोन। जो हमारा सेरिबेलम है इक्विलिब्रियम में हेल्प करेगा, हमारे टोन में हेल्प करेगा, मसल टोन में, और पोस्चर, हमारा जो पोस्चर है बॉडी पोस्चर उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इट इज ऑल्सो नोन टू स्टोर अनकॉन्शियस मेमोरीज। हमारे ब्रेन में दो तरह की मेमोरीज होती हैं, ये तो आपको सबको पता है, एक कॉन्शियस एक अनकॉन्शियस। तो जो अनकॉन्शियस मेमोरीज है वो इधर स्टोर होती है सेरिबेलम में, ठीक है। देखो दो चीजें हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो सेरिब्रम है तो वो फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, जहां पर अनकॉन्शियस मेमोरीज स्टोर होती है एंड मोटर स्किल्स लाइक स्विमिंग। देखो ये होता है, ये है मोटर लर्निंग, स्विमिंग करना, रनिंग करना, मतलब जो भी चीजें हमारे लोकोमोशन से रिलेटेड है, ठीक है, जो मूवमेंट से रिलेटेड है वो सारे मोटर, उसके लिए ओवरऑल वर्ड जो हम यूज करते हैं वो है मोटर, ठीक है, स्विमिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें इधर ही होती है। फिर आते हैं नेक्स्ट, इंजरी टू सेरिबेलम रिजल्ट इन अनकोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर इसको चोट लग जाएगी तो मैं इतने देर से मैं क्या बोल रही हूँ कि ये मोटर मूवमेंट में हेल्प करेगा, ये मोटर लर्निंग में हेल्प करेगा। तो अगर इसको इंजरी हो जाती है किसी वजह से, चोट लग जाती है हमारे सेरिबेलम में, तो ये अनकोऑर्डिनेटेड हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं रहेगा। हम एक अनकोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करेंगे, मूव करें या ना करें वो भी पक्का नहीं होता है फिर, ठीक है। ये हो गया एक्टिविटीज सच एज पुटिंग अ थ्रेड इन द नीडल, ये फिर हार्ड हो जाएगा क्योंकि ये भी तो एक मोटर स्किल का ही पार्ट है, सुई में धागा डालना, ठीक है, तो ये भी मुश्किल हो जाएगा। विच रिक्वायर्स मोर प्रिसीजन बिकम डिफिकल्ट टू परफॉर्म। प्रिसीजन एक तरह से होता है हमारा कि हम ध्यान लगाकर वो करते हैं, वैसे तो क्योंकि आप इधर देख रहे हो और सुई में धागा फिर जाता है, नहीं, उसके लिए आपको देखना होता है ना एक फोकस, तो इसके लिए हम फोकस वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रिसीजन फोकस के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा पॉन्स रीजन, ठीक है, सेरिबेलम के अंदर वाला पार्ट पॉन्स रीजन, ये होता है इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम प्रेजेंट बिलो द मिड ब्रेन एंड अबव मेड्यूला। अगर मैं बात करूं सबसे पहले आता है फोर ब्रेन, फिर आता है मिड ब्रेन, उसके बाद आएगा हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो जो हाइंड ब्रेन में पॉन्स रीजन है, सबसे पहले सेरिबेलम पॉन्स, उसके बाद फिर उसके बाद आता है मेड्यूला। तो मेड्यूला और फोर ब्रेन के बीच में, मिड ब्रेन के बीच में ये प्रेजेंट होता है हमारा पॉन्स, ठीक है। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरल ट्रैक्स। क्या होता है न्यूरल ट्रैक्स? इसमें न्यूरल ट्रैक्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं न्यूरल ट्रैक्स? वो कह सकते हैं कि नर्व्स का ट्रैक्ट, एक जो कनेक्ट करके रखता है पूरे ब्रेन को, या फिर विच इंटरकनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ये होता है क्या, ये न्यूरल ट्रैक्ट। फिर उसके बाद है इट हेल्प। अब ये हेल्प किस में करेगा? ये कंडक्ट करने में हेल्प करेगा सिग्नल्स को फ्रॉम द ब्रेन टू मेड्यूला एंड सेरिबेलम दैट कैरीज एंड सेंसरी सिग्नल टू द थैलेमस।
कहाँ से? थैलेमस से, मेड्यूला से, हर जगह से ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद बोन्स हेल्प इन रिलेइंग इंफॉर्मेशन बिटवीन सेरिबेलम, सेरिबेलम इसी का पार्ट है, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा सेरिबेलम एंड फोरब्रेन, फोरब्रेन में सेरिब्रम होता है, हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम होता है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान में, ऐसे कह सकते हैं कि सेरिबेलम और फोरब्रेन के बीच में जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है वो पोन्स के थ्रू होता है। इट कैरीज न्यूक्लियाई फॉर फोर क्रेनियल नर्व्स। देखो वैसे तो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जरूरी नहीं है। आप सिर्फ इतना पढ़िए ट्राइजेमिनल जो फिफ्थ है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, फिर आती है एब्ड्यूसेंस जो सिक्स्थ है, फिर फेशिया सेवेंथ है, और वेस्टिबुलो क्योक्युलर। ये मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगी सारी नर्व्स, 12 क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। अभी इतना याद रखिए ट्राइजेमिनल जो फिफ्थ है, उसके बाद एब्ड्यूसेंस ये सिक्स्थ है, फिर आती है फेशिया सेवेंथ है, और वेस्टिबुलो कोक्लियर ये एट है, ठीक है। ये चार क्रेनियल नर्व्स होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, पोन्स रीजन में, ठीक है। उसके बाद आते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन स्टेम विच रेगुलेट अलर्टनेस एंड स्लीप वेक साइकिल। क्या होता है स्लीप वेक साइकिल? ये भी जो हमने कल पढ़ा सर्कैडियन साइकिल रिदम, ठीक है, उसी में स्लीप वेक साइकिल भी आती है। कब आप सो रहे हैं तब आप जाग रहे हैं, वो भी तो 24 आवर साइकिल में ही आएगा ना, क्योंकि 24 घंटे में से तो आप सो रहे हैं, तभी जागते हैं, तभी आप खाना खा रहे हैं, तभी बैठना, तभी उठना, ये सारी चीजें आती हैं सर्कैडियन रिदम में, ठीक है। अलर्टनेस और स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? फिर आते हैं नेक्स्ट मेड्यूला। अब ये लास्ट पार्ट है जिसको हम मेड्यूला ओब्लंगेटा भी बोलते हैं, ठीक है। जैसा मैंने हाइपोथैलेमस पढ़ाया था फोर ब्रेन का पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट था फोर ब्रेन में, जिसके फंक्शन इतने सारे थे बहुत सारे, उसी तरह से जो हाइंड ब्रेन का ये है मेड्यूला या फिर मेड्यूला ओब्लंगेटा, इसके भी इतने सारे फंक्शन है, मैं एक एक करके सब बताऊंगी। सबसे पहले द मेड्यूला और मेड्यूला ओब्लंगेटा इज द पोस्टीरियर पार्ट, मतलब पीछे वाला पार्ट है विच कंटिन्यूज टू द स्पाइनल कॉर्ड, जहां से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है वहीं पे प्रेजेंट होता है हमारा मेड्यूला, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में आकर वो मतलब कह सकते हैं कि ये कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को, ठीक है, वहां प्रेजेंट होता है मेड्यूला। फिर आते हैं इट इज अ लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूट द ब्रेन स्टेम अलोंग विद मिड ब्रेन एंड बोन्स। बहुत इजी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं इट्स कैविटी इज नोन एज द, इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जो मेड्यूला है या फिर मेड्यूला ओब्लंगेटा, इसके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है। चार वेंट्रिकल थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मैं बाद में पढ़ाऊंगी वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, लेकिन जो इसकी कैविटी है मेड्यूला की उसको हम फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं विच कॉन्टिन्यूज विद द स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कॉर्ड से शुरू हो रहा है मतलब वहां पर वो शुरू होता है स्पाइनल कॉर्ड से मेड्यूला, तो स्पाइनल कैविटी को जोड़ता है ये भी, ठीक है। द मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ अ थिक वॉल हैविंग अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन्स अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सॉन क्या है, तो ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स होते हैं इधर फॉर्मिंग नर्व ट्रैक्स। अब नर्व ट्रैक्स भी तो बनेंगे जो कनेक्ट करके रखेगा पूरे ब्रेन को आपस में, ठीक है, विच कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी, तभी तो वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगा ब्रेन तक, तो उसको कनेक्ट यही करता है एक्सॉन्स। एक्सॉन्स होते हैं बंडल ऑफ एक्सॉन्स प्रेजेंट इन मेड्यूला। इट ऑल्सो कंटेन्स द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था वॉमिटिंग सेंटर इधर होता है, कफिंग स्वेलोइंग ये सारी चीजें इनका सेंटर, मतलब सेंटर क्या होता है जो कंट्रोल करता है ये सारी चीजें, ठीक है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे मेड्यूला ओब्लंगेटा। फिर आते हैं नेक्स्ट द
मेड्यूला प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन. देखो हाइपोथैलेमस भी यही काम करता है, ठीक है. वो उसका सबसे मेन फंक्शन क्या था, होमियोस्टेसिस. इसी तरह से जो हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है इसके भी बहुत सारे फंक्शन है. मतलब जो हमारा सिस्टम है ना, ये दो ऐसा कह सकते हैं कि दो मेन पार्ट्स ब्रेन के वो कंट्रोल करते हैं मोस्ट ऑफ द फंक्शन. मोस्ट ऑफ द फंक्शन, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द फंक्शन. एक हाइपोथैलेमस, एक मेड्यूला. हाइपोथैलेमस हम पढ़ चुके हैं, मेड्यूला क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को, ठीक है, हमारा सांस लेना सांस छोड़ना ये सारी चीजें, ब्लड प्रेशर को, फिर हार्ट बीट को, और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारी चीजें हैं ऐसे ही, मतलब आप आइडिया ही लगा सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. यह है फोर ब्रेन. देखो ये है स्पाइनल कॉर्ड, तो ये लास्ट वाला पार्ट है. ये सेरिबेलम है, वॉलेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. सेरिबेलम ये पॉन्स है ना, और ये है मेड्यूला. जो देखो मेड्यूला कहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता दिख रहा है ना, ये है स्पाइनल कॉर्ड और मेड्यूला उससे कनेक्टेड है, ठीक है. तो सेंसरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ आएगी, मेड्यूला में. तभी तो वो इतने सारे चीजों का सेंटर है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं ही कंट्रोल कर लूं, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं इतने इतने सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं, तो मैं आगे क्यों ही बढ़ाऊं, ठीक है. तो इस तरह से जो मेड्यूला है वो सेंटर है, वॉमिटिंग सेंटर, हार्ट रेट सेंटर, ब्लड प्रेशर सेंटर, ब्रीदिंग सेंटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर हो गया, ये तीनों पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन में. अब पॉन्स के ऊपर यहाँ क्या था, मिड ब्रेन, ठीक है. ये हो गया पूरा हमारा ब्रेन. यहाँ पर ब्रेन खत्म हो गया. इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड और वेंट्रिकल्स. जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि वेंट्रिकल्स होते हैं जैसे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं ना टू वेंट्रिकल्स, उसी तरह से ब्रेन में भी फोर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं. वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. उसमें हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड जो सीएनएस का पार्ट है, उसके बाद वेंट्रिकल्स, फिर हम देखेंगे पीएनएस, फिर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर आ जाएंगे. आप पढ़ते रहिए, अपने ड्रीम पर फोकस रखिए. डरने की है क्या बात, जफार में से इंडिया लाइव है साथ. थैंक यू.